इत्तेहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। ये जो मार्केट का जो हमारा महात्मा फुले मार्केट का जो ये चले है वो फिलहाल कुछ जो है वक्फ के इसमें है और सो कारपोरेशन वाले आकर हमने जबर जबरदस्ती से गुंडागर्दी से आकर उधर हमारे ये खाली करा रहे हैं। हम 35-40 साल से हमारा उधर दुकान है खाली, उधर जबरदस्ती आके पुलिस को लेकर के हमारा उधर पूरा खाली करा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम डीसी सबको मेमोरेंडम दे रहे हैं इसलिए कि हमको कोई तकलीफ ना दे उधर। नहीं, हमारे भी वही राय है। अभी जो हमारे बताए मुख्तार भाई ने तो वही एक ने हमारी राय है क्या है तो हमारे जो सील कर रहे हैं वो सील है तुम खोल के देना। और जो हमारे व्यवहार जो चलता है वहाँ, अब जिंदगी पूरी चली गई हमारी, वहाँ जिंदगी पूरी चली गई तो हमारे व्यवहार जो चलता है वो व्यवहार में हमारे जैसे करेक्ट रहना। और जैसे जो म्यूनसिपालिटी हमारे को तकलीफ दे रही है वो तकलीफ नहीं देना। हाँ, लॉकडाउन से पहला रोग बहुत परेशानी है। और जो तुम्हारे को बात बताना बोले तो इतनी परेशानी है हमारे को कि हम तुम्हारे को खोल के नहीं बता सकते, खोल के नहीं बता सकते। तो हम गरीब लोग हैं, हम खोल के नहीं बता सकते तुम्हारे को, इतनी हमारी परेशानी है। और जो उसके अंदर हम नींबू बिका के खाने वाले तो इतनी हमारे को तकलीफ दी है। हमारे मार्केट में रहना या नहीं रहना, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब है, जब ये है वो है सब है बराबर है, तो उन्होंने है कि नहीं नींबू जो फ्रूट बिकाते ये बिकाते उनको ऐसे 10,000 रुपये सेंक्शन भी करे सो है, 10,000 रुपये सेंक्शन की भी बात कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं उन्होंने बात। मगर ये बात जो है कि नहीं अभी तक भी हमारे तो तक आई नहीं बात, हमें जो अभी तक उसका फॉर्म भी भरे नहीं, कुछ भरे नहीं, मगर ये बात आई है अभी बात। तो ये हमारी तकलीफ़ात, ये थोड़ी जो तकलीफ़ात है वो हमारी दूर करना मेन पहली बात। मैं तमाम लोगों की तरफ से यही बोलना चाहूँगा कि 4 महीने से पूरा भारत हिंदुस्तान बंद था, तो इसके बावजूद भी जो है कि नहीं लोग जो है भूखे मरे, प्यासे मरे, फिर भी हम टक्कर दे के उसके इसके पास कर्जा लेके हम जिंदगी कर रहे हैं। ऐसे जिंदगी करने के बावजूद भी एक गरीब लोग रास्ते पर बैठ के खाने वाले को आपको आप तकलीफ दे रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को आप तकलीफ नहीं देते, उनके पास आप नहीं जाते, गरीब लोग ही आपको दिखता है। आज आप मेहरबानी करके गरीब लोगों को मत सताइए, उनकी बददुआ मत लीजिए। हमारे पीछे गरीब लोग हैं, हमारे माँ बहन हैं, एक कमाता है, घर में 6 खाते हैं, आप 6 लोगों को भूखा मार रहे हैं। 3 दिन से हमारी मार्केट सेल है, हमारा माल रखे, हमारा माल पूरा चोरी हो गया, 2 दिन से चोर लेकर गए माल। और हम मंगल दिन मार्केट में नहीं थे, उस वक्त आकर म्यूनसिपालिटी वालों ने पुलिस को बुलाकर पूरा पैक कर दिए, हमको बाहर का बाहर रख दिया। हमारा कच्चा माल किसी का 10,000 का था, किसी का 5,000 का था, किसी का 8,000 का था, पूरा माल हमारा सड़ गया। इसके बावजूद आप जो है ऐसा मत कीजिए प्लीज़, हम भारत के नागरिक हैं, हम मोहब्बत से रहना चाहते हैं। ऊर भी टूर बे ना हटी तुम सकते रही, एंट तिंगल मार्केट बंद आती रही, मंगलवार दिन ना यार बंद तू बर 10,000 रुपयद 5,000 रुपयद 15,000 रुपयद माल इतरी बंद लाक मोद्री नम तकड़ कल अल्ले हाद्रे नम मकल मेरे ऐन ऊट मोद्री वन टीसा को ना इले कुड़ इले मलकोतवरी ಬಂದ್ ಮಾಡ್ರ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂಡುದ್ರಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ ಮಾರಿ ತಿನ್ನುವಟ್ ನಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಿರ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರಿ ಪಹಿಲಾ 4 ಮಹಿನೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹೋದ ತ್ಯಾ ಟೈಮಲ್ಲ ಮಸಾಲಾ ದಿಲೇಜ್ ನೈತ್ ಬಾಕಿಚೆ ಕಾಹಿ ಧಂದಿ ನೈತ್ ಕಾಹಿ ನೈತ್ ಆಮಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಬುದ್ಧಿ ಬಸೂನ್ ಇಕ್ನಾರ್ ಉರ್ಲೇಲಾ ಮಾಲ ಆತ್ ಮಧ್ಯೆ ಠೇವಣಾರ ಆಮಿ मंगळवारी यांनी न येता न सांगता इथं कोर्टामध्ये केस चालू असताना यांनी काही न सांगता यांनी आपलं बळजबरीनं हे करून तिने आपले पत्रे वगैरे लावून हे गेलेत। बाकीचे माल वगैरे शिल्लक होतं तर तसंच होतं आतमध्ये, त्याच्यामुळे नुकसान झालेलं आहे। आणि बाकीचा माल उरलेला आम्ही इथं आत ठेवतो आम्ही, ते आम्हाला काय तर मला सांगायचं होतं त्यांनी, आम्ही आत ठेवलो नसतो। पत्रे काढून आम्हाला आमचं काय ते जरा रोजीरोटी आमची रोजची चालायला द्यायचं एवढंच, आणि आमचा आम्ही माल आम्ही तिथे ठेवायला आम्हाला जागा आहे। बेलगाम कॉर्पोरेशन के अधिकारी लोग जो अभी दमदाटी कर रहे उसको कोई रोकने वाला है कि नहीं, एक प्रश्न चिन्ह आया है। क्योंकि परसों के दिन कॉर्पोरेशन के अधिकारी आके जो ताला लगाए हैं कांदा मार्केट को वो उसका हम खंडन करते हैं। 7 बारे में नाम वक्फ बोर्ड का है, डॉक्यूमेंट वाइज देखा जाए तो सब वक्फ बोर्ड का है, तो कॉर्पोरेशन का सवाल यहाँ पर कहाँ से आता है? एक केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है जिसमें कॉर्पोरेशन थर्ड पार्टी है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, फिर भी कॉर्पोरेशन के अधिकारी लोग आके अगर ऐसे लॉक डालते हैं और गोर गरीबों को अगर वो रास्ते पे लाना चाहते हैं तो ये सबसे गलत बात है। तो इस वजह से हम आज डिप्टी कमिश्नर को मिलने आए हैं और हम उनको बता रहे हैं कि किस तरह से कॉर्पोरेशन अपनी मनमानी कर रही है और गोर गरीबों को और रास्ते पे ला रही है।